हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा चल रहा है और बहुत ही ज्यादा ही फैल रहा है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जो फ्लू एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस जो आंख के अंदर हो रहा है आजकल काफी बढ़ रहा है, काफी संख्या में लोगों को हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है और अगर ये किसी को हो रहा है तो उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उनको, और अगर अगर किसी को हो गया मान लो इनमें से कोई सिम्टम्स है तो वो लगा सकता है कि उनको ये चीज हो गई है, अगर है किसी को तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, सब कुछ बहुत ही डिटेल से हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो हो सकता है वही पार्ट आपके काम का हो, तो पूरा देखना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। तो दोस्तों, आई फ्लू एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस ये जो है वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके अंदर इसमें जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंगल पे, जो आंख के एंगल जो होता है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। इसके अलावा ये जो बीमारी है दोस्तों ये एक से दूसरे को भी फैलती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, इसलिए ही ये बीमारी घातक साबित हो सकती है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। तो इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अगर किसी को होता है मान लो, तो वो कैसे पता लगा सकता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो है आंख वाली साइड पर पेन होगा, दर्द होगा अच्छा खासा। इसके अलावा रेडनेस आएगी आंख में, मतलब रेड कलर की होगी, लाल कलर की हो जाएगी। इसके अलावा जो है प्यूरलाइन डिस्चार्ज होगा एंगल्स से, कंजुक्टिव एंगल से, मतलब वाइट डिस्चार्ज होगा, वाइट सा फ्लूड उसके अंदर से निकलेगा। और कभी कभी ये कोल्ड की वजह से भी हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम अगर किसी को रह रही है काफी टाइम से तो उसको भी ये हो सकता है। जब उसके सफेद सफेद पदार्थ निकलता है तो डिसीज, ये जो डिसीज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरस की वजह से तो ये हुआ ही है। तो इन वजह इसके अंदर और बीमारी भी बढ़ सकती है अगर आप इस पर जल्दी गौर नहीं फरमाते हैं, जल्दी से ध्यान नहीं देते हैं तो। अब बात करें कि इसका कॉज क्या होते हैं, मतलब किन कारणों की वजह से ये हो रहा है। डिप्थेरिया की वजह से भी हो सकता है दोस्तों, और इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, ये इसके कारण होते हैं। बाकी जो सबसे मेन जो ये फैलती है ये वायरस है इसका, एक उसी की वजह से फैलता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या 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 इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या इसमें दिया जा रहा है। तो इसमें जो इसमें आंख में डालने की जो ड्रॉप दी जा रही है मोक्सीफ्लोक्सासिन की या फिर जेंटामाइसिन या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसमें से कोई भी एक ड्रॉप दी जा सकती है। ये जो ड्रॉप है ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। इसके अलावा एक ड्रॉप आती है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिसको एड टीयर नाम से आपको मिल जाएगी या फिर रिप्रेस टीयर नाम से आपको मिल जाएगी, वो भी इसके साथ में चलाई जा रही है। इसके अलावा टेबलेट फॉर्म की बात करें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन इसमें टेबलेट दी जा रही है 500 mg में। इसके अलावा फैक्सोफेनाडीन दी जा रही है और डाइक्लो फेनक पीसीएम वगैरह पैरासिटामोल वगैरह दी जा रही है उसके साथ में दर्द के लिए। तो ये कुछ इसमें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बाकी आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो आपकी बीमारी को समझकर जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू करेंगे, इसमें देर नहीं करनी है आपको, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों ये होता है आई फ्लू एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस डिसीज या बीमारी बोल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आई होप आपको काफी अच्छे से हमने समझाया, काफी अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया आपके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों वीडियो बनाकर लाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें चैनल को, अपना प्यार दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।